नमस्कार दोस्तों, परिणाम एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डायरेक्शन की हमारी तीसरी क्लास है, इसमें आप लोग के साथ हम देखेंगे डायरेक्शन विद डिस्टेंस। डायरेक्शन विद डिस्टेंस में अभी हम जितने उसके टाइप्स होते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, सब हम एक एक करके देखेंगे। तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज का, जो है डायरेक्शन विद डिस्टेंस। अब डायरेक्शन विद डिस्टेंस में क्या क्या हमको पढ़ना है, इसमें इसमें हम पढ़ते हैं चार चीजें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिशा, दिशा पर आधारित प्रश्न, फिर शब्दावलियां, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इसके बाद तीसरा हम देखेंगे दूरी, चौथा हम देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब दूरी में भी हम दो चीजें देखेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे, अधिकतम दूरी, फिर मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे, न्यूनतम दूरी। तो एक एक करके इन सभी को हम देखेंगे आज आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दिशा। तो लिखिए आप लोग नोट डाल के, कि कोई व्यक्ति अपनी दिशा से केवल अपनी विपरीत दिशा में ही चल सकता है। अब देखिए यहां कहा क्या जा रहा है आपसे, कि कोई व्यक्ति अपनी दिशा से केवल अपनी विपरीत दिशा में ही चल सकता है। ये कैसे होगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए हम ही हैं, हम अपने विपरीत दिशा में कैसे चलेंगे। तो देखिए विपरीत दिशा का मतलब होता है आमने सामने की दिशा। डायरेक्शन में इसका विपरीत दिशा का मतलब होता है, विपरीत का मतलब होता है आमने सामने की दिशा। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है इस साइड जा रहा है, वो किस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका विपरीत कौन सा होगा जो इस डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए ये इधर से मतलब मान लीजिए वेस्ट से ईस्ट जा रहा है और ये ईस्ट से वेस्ट जा रहा है। अब देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। विपरीत तो है लेकिन देखिए आमने सामने भी है एक दूसरे के, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, एक दूसरे के क्या है आमने सामने। और ये कोई जब व्यक्ति जब चलता है, मान लीजिए ये चल रहा है, तो ये हमेशा अपने विपरीत दिशा में चलेगा। जब ये इस साइड चल रहा है तो इसका विपरीत दिशा इधर पीछे की साइड होगा। जैसे मैं चल रहा हूं, मेरा विपरीत दिशा क्या होगा, ये होगा, मैं चल ऐसे रहा हूं। अगर हम बगल के साइड में चलेंगे, जैसे मान लीजिए ये मैं इस साइड जा रहा हूं,
मैं इस साइड जाऊंगा तो मेरा विपरीत क्या होगा, इधर की डायरेक्शन होगी। अगर हमको मान ली इस डायरेक्शन में जाना हो तो पहले हमको घूमना पड़ेगा, इधर इधर घूमेंगे फिर हम इधर जाएंगे, तो अब हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका विपरीत क्या होगा, इस साइड होगा जो पीछे साइड जा रहा होगा। सेम यहां भी है, अगर कोई इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है नीचे तो इसका विपरीत क्या होगा, ये होगा। मतलब विपरीत का मतलब होता है, कहने का मतलब आमने सामने की दिशा। अब एक चीज और इसमें समझ लीजिए, ये तो दिशा वाला था, दिशा पर आधारित कॉन्सेप्ट आप बता, फिर एक एक क्वेश्चन कराते हैं। फिर लिखिए, यदि किसी व्यक्ति या नाम के साथ से और से और के लगा हो, तो वह स्थिर हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति या नाम के साथ से और के लगा हो तो क्या हो जाता है, स्थिर। कैसे, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए ए बी से 2 किलोमीटर पश्चिम में है। अब देखिए, ए बी से 2 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यहां जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहां ये आपको क्या दिख रहा है, बी से। मैंने बताया यदि किसी व्यक्ति या नाम के साथ से या के, मतलब से और के लगा हो, चाहे से लगा हो या फिर के लगा हो, तो वह स्थिर होता है, वो कांस्टेंट एक नियत जगह पे होगा। यहाँ ए और बी दो वेरिएबल हमको दिए गए, जिसमें बी क्या था, बी के बाद से लगा है, इसका मतलब बी स्थिर होगा। मान इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, बी को स्थिर कर दीजिए, हमारा बी हो गया। ए बी से 2 किलोमीटर पश्चिम में है, बी तो स्थिर हो गया, पश्चिम में अब कौन है, इसके ए है। ये इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए यहां थोड़ा सा चेंज कर, से ए के साथ लगा देता है, यहां कह देता है ए से बी 5 किलोमीटर पूरब में है। अगर यही कह देता, ए से बी 5 किलोमीटर पूरब में है, से इधर उधर कर दिया है, अब इसका फिगर कैसे बनेगा। ए से कहां लगा है, ए पे, जब ए पे से लगा है तो ए यहां कांस्टेंट कर दीजिए आप, ए हम यहां क्या कर दिए, कांस्टेंट स्थिर कर दिए। ए से बी 5 किलोमीटर पूरब में है, पूरब में कौन है, बी है, यहां ये हो गया बी 5 किलोमीटर पूरब, ये था पश्चिम। ठीक, तो ये दो चीज समझने वाला था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, कोई व्यक्ति अपनी दिशा से केवल अपनी विपरीत दिशा में चल सकता है, आमने सामने की दिशा में चल सकता है। मैंने बताया कैसे विपरीत होगा, एक बार इसको और समझ लीजिए आप लोग, कोई कंफ्यूजन हो दूर कर लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो इसका विपरीत क्या होगा, ये दिशा होगी। मतलब ये जब जा रहा है ये तो अपनी विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर मान ली इसको ऊपर की दिशा में जाना हो, इस दिशा में जाना हो, तो क्या करेगा, ये बगल की दिशा में जाना, कैसे जाएगा,
सबसे पहले ये अपना स्टेज, इसका जो फेस है, इसका मुंह है, इस दिशा में किया, ये इस दिशा में घूमेगा। जैसे मान लीजिए ये पहले इस दिशा में है, इस दिशा में जा रहा है, इसका विपरीत ये है। अगर इसको ऊपर की दिशा में जाना हो, ये ऊपर जाएगा, सबसे पहले ऊपर जाने के लिए करेगा क्या, देखिए सबसे पहले ऊपर जाने के लिए ये घूमेगा, जब यहां घूम जाएगा तब ना ऊपर जाएगा। अब हम ऐसे खड़े हैं, हम ऐसे बगल तो जाएंगे नहीं, आप इस साइड ऐसे जाएंगे नहीं, इस साइड फेस करके जिधर जाना होगा उधर आप घूमते हैं, सेम यहां भी है। अगर इस दिशा में जाना हो इसको, तो सबसे पहले यहां से ये घूमेगा इस दिशा में, इधर फेस करेगा यहां, तब इस दिशा में जाएगा। नीचे जाना हो यहां से सबसे पहले नीचे मतलब इस साइड फेस करेगा, तब इधर जाएगा। किसी भी दिशा में जाना हो, अगर आप दूसरी दिशा में हैं तो आप पहले घूमेंगे उस दिशा में, उसके बाद उधर बढ़ते हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको लिखना और लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला जो था कॉन्सेप्ट, ये दिशा पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कराएगा, दिशा पर आधारित प्रश्न जो आएगा उसको सॉल्व करने में आपको काफी आसानी होगी। और जो मैंने से और के वाला बताया, ये शब्दावलियों पर आधारित था, शब्द पर आधारित था, जो शब्द से और के था उसी पर, उसी का पूरा खेल था इसमें। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी रेस कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति पी से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम चलता है, उत्तर पश्चिम चलकर के पर पहुंचता है। एक व्यक्ति पी से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम चलकर के पर पहुंचता है, एक अन्य स्थान आर जो के से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, फिर एक अन्य स्थान M जो R से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है और एक अन्य स्थान टी जो एम से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो बताइए टी
पी से पी के पी के अनुसार किस दिशा में है, किस दिशा में है। अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति पी से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम चलकर के पर पहुंचता है, फिर एक अन्य स्थान आर जो के से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एक अन्य स्थान यम जो आर से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित है, और एक अन्य स्थान जो टी से एक अन्य स्थान टी जो यम से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो बताइए टी पी के अनुसार किस दिशा में है। पी को कौशल अगर मान ले, टी किस दिशा में होगा, सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे इसका, देखिए एक व्यक्ति पी से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम चलकर के पर पहुंचता है, चलता कहां से है, पी से, से देखिए यहां लगा है, इसका मतलब पी कांस्टेंट होगा हमारा। अब उत्तर पश्चिम कह रहा है, अगर आप कंफ्यूज हैं इसमें तो आप क्या करिए, छोटा सा आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए डायरेक्शन चारों। अब यहां से आप समझ जाएंगे उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, तो ये तो हमारा ऊपर वाला क्या होगा, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है हमको। यहां पहुंचे, किस पे पहुंचे, के पर पहुंचता है, के पर पहुंचता है, के पर। एक अन्य स्थान आर जो के से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अब यहां से दक्षिण पश्चिम आप समझना चाहे, फिर यहां छोटा सा ड्रा कर लीजिए अपने समझने के लिए। दक्षिण पश्चिम से क्या होगा, पश्चिम मतलब पश्चिम हमारा ये है, दक्षिण ये है, दक्षिण पश्चिम ये हो गया हमारा। यहां के से चलता है कहां पहुंचता है, आर पे, आर पे। अब फिर आर यहां ड्रॉ कर लीजिए अपने समझने के लिए। एक अन्य स्थान यम जो आर से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम हमारा फिर ये होगा, उत्तर पश्चिम ये हो गया, स्थित कौन है, एम। फिर यहां ड्रॉ कर लीजिए। एक अन्य स्थान टी जो यम से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है, अब अगला स्थान जो है हमारा टी है, यम से 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है, यम से दक्षिण पश्चिम क्या होगा, ये हमारा दक्षिण होगा नीचे का, ये बगल का पश्चिम इस साइड होगा, कौन सा है, टी। तो बताइए टी पी के अनुसार किस दिशा में है, टी पूछा है हमसे किसके अनुसार, पी के अनुसार। अब देखिए ये हमारा क्या था, फिगर बन गया, पी से क्या चला, उत्तर पश्चिम में चला तो के पे पहुंचा, फिर के से जब दक्षिण पश्चिम में चला तो आर पे पहुंचा, आर से फिर उत्तर पश्चिम में चला तो एम पहुंचा, एम से फिर दक्षिण पश्चिम चला तो के पहुंचा। पूछा हमसे क्या था, टी किस दिशा में है, देखिए अगर यहां डायरेक्शन यही बड़ा कर दें तो हमारा किस दिशा में है, टी वेस्ट में है, यानी कौन सा दिशा होगा, पश्चिम, वेस्ट में होगा, कौन, टी पी के। अगर किसी और का पूछ रहे यहां से, जैसे पूछ रहे यम के अनुसार आर किस दिशा में है, तो क्या होगा, यम है, ये हमारा हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, तो ये आर क्या हो जाएगा, यम के अनुसार दक्षिण पूरब, मतलब साउथ ईस्ट। इस तरह से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ये आप अगर नहीं समझ पाए छोटा छोटा आप बना लीजिए समझने के लिए अपने, जब 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब अपने आप याद हो जाता है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, अगले एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जिसका नाम एक्स है, पी से पश्चिम, पी से पश्चिम दिशा की ओर चलता है,
चलता है, फिर उत्तर फिर दाएं तरफ घूम जाता है, और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर घूमता है, और पुनः उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाता है। कोई व्यक्ति एक्स पी से पश्चिम की दिशा को चलता है, फिर वहां से दाएं तरफ घूम जाता है, और फिर दक्षिण पश्चिम की घूमता है, और पुनः उत्तर पश्चिम की दिशा में घूमता है, तो इसका सही निरूपण क्या होगा? निरूपण हमसे पूछ किसका रहा है? फिगर का। इसका सही निरूपण क्या होगा? अब देखिए, बस यहां नाम दे देना है, नाम इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। कोई व्यक्ति है एक्स जो पी से चलना स्टार्ट करता है, ये बताया गया हमको। मान लीजिए हमारा पी है, पी से पश्चिम दिशा की ओर चलता है, पश्चिम दिशा में चला, यहां पहुंचा। मान लीजिए पश्चिम दिशा में चला, पी से क्यू पर पहुंचा, ठीक। फिर दाएं तरफ घूम जाता है, और फिर दाएं तरफ घूमा। अब दाएं कैसे पता करेंगे आप? क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम जाइए, जहां जिस डायरेक्शन में आप खड़े वहां से दाएं घूमना है आपको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमे। अब यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा ये हो जाएगा, ऐसे इस दिशा में गया तो कहां पहुंचा? आर पी। फिर दक्षिण पश्चिम की ओर घूमता है, दक्षिण पश्चिम में आप कैसे समझेंगे? ये देखिए, इसको बना लीजिए तुरंत। ये हमारा हो गया नीचे दक्षिण, ये हमारा हो गया पश्चिम, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा। पी क्यू आर हो गए। अब मान लीजिए एस पे पहुंचता है, फिर और पुनः उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाता है। अब उत्तर पश्चिम किधर होगा? ये होगा, ये उत्तर पश्चिम होगा। कैसे? ऊपर का हमारा ये क्या हो गया? उत्तर, ये पश्चिम, इसके बीच उत्तर पश्चिम निकल गया। अब इसको टी मान लेते हैं। अब देखिए फिगर मार क्या हुआ? बन गया। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था? तो इसका सही निरूपण क्या होगा? इसका सही निरूपण यह होगा। अब इस तरह क्वेश्चन आपसे ये नहीं दिया गया होगा, ये तो मैंने साधारण तरीके से बताया आपको। अब इसी में चार ऑप्शन दे दिए गए होंगे आपको, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया गया होगा, दूसरा दे दिया जाएगा, तीसरा दे दिया जाएगा, और चौथा दे दिया गया होगा। इस तरह से आपको चार ऑप्शन दे दिए गए होंगे, तब ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या हुआ हमारा? कंप्लीट हुआ। कि मतलब ये कुछ जो हमको कंटेंट दिया गया, बताया गया है ऐसा ऐसा है, तो इसका सही निरूपण क्या होगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, इसमें से आपको बताना कि कौन सा फिगर हमारा सही होगा। अब फिगर हमारा कैसे बन गया है? इस तरह से बन गया। अब देखिए ये तो होगा नहीं,
क्योंकि पहले ही किस दिशा में चला, पूरब दिशा में चल गया, और पहले यहाँ पे किस दिशा में चला, पश्चिम में चला था, ये स्किप हो गया, ये हमारा क्या हो गया खत्म। बी के देखें अगर, तो पहले पश्चिम में चलना था हमको, ये पहले उत्तर में चला है, ये भी खत्म। डी का देख लेते हैं, पहले पश्चिम में चला यहाँ, यहाँ डी किस दिशा में चला है, डी चला है उत्तर पूरब में, ये देखिए ऊपर उत्तर इधर पूरब, उत्तर पूरब में चला है, ये भी स्किप हो गया। सी हमारा क्या है, पहले पश्चिम में चला, फिर उत्तर में चला, फिर दक्षिण पश्चिम में चला, फिर उत्तर पश्चिम में चला, ये हमारा क्या होगा राइट। अच्छा देखिए मिलाइए दोनों, एकदम सेम फिगर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया, चार ऑप्शन दिया होगा, आपको फिगर बनाना होगा, निरूपण पूछ लेता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, विजय अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है और चार किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, फिर दाएं घूमकर, दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाता है, और फिर दाएं घूमकर घूमकर 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है, और 2 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए उसके कार्यालय से घर की दूरी क्या होगी, अभी ये क्वेश्चन देखिए, दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको। इसमें कह रहा है विजय अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है और 4 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है, उत्तर दिशा में यहाँ होगा, उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाता है, और फिर दाएं घूमकर 6 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, और पुनः दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए उसके कार्यालय से घर की दूरी क्या होगी।
सबसे पहले इसको हम बनाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आपसे मैक्सिमम और मिनिमम दूरी पूछ ले तो मैक्सिमम दूरी पूछे तो आपको फिगर की कोई जरूरत नहीं होती है, सीधा आप क्या करेंगे जितना भी हमको मैक्सिमम डिस्टेंस दिया गया होगा सबको ऐड करा देंगे तो हमारा क्या निकल के आया, मैक्सिमम दूरी। लेकिन जब मिनिमम पूछेगा तो उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले बनाएंगे, विजय अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है, 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। यहाँ देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 4 किलोमीटर की दिशा में गया, उत्तर दिशा में गया 4 किलोमीटर। फिर दाएं घूमकर 2 किलोमीटर जाता है, बाएं हमारा ये होगा दाएं हमारा वो होगा। दाएं घूमता है 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। फिर दाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां इस दायरे से हम जब बाएं दाएं देखेंगे, बाएं हमारा ये होगा दाएं ये होगा, फिर दाएं की बात कर रहा है तो यहां पहुंचे 6 किलोमीटर, ठीक। फिर पुनः दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, अब यहां फिर दाया जो हमारा होगा ये हो जाएगा कितना 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हमारा ये हो गया। फिर कह रहा 2 किलोमीटर ये चला, फिर पुनः दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, ये जो दो था ये था, 6 के बाद ये 2, 6 के बाद ये 2। अब कह रहा पुनः दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। अब पुनः जब घूमा वो पुनः जब वो दाएं घूमा तो कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब देखिए जहां से वो चलना प्रारंभ किया था वहीं फिर पहुंचा, तो दूरी हमारी क्या होगी, 0 किलोमीटर, ये हमारी दूरी हुई। क्यों दूरी हुई, क्योंकि जिस मतलब जो उसका प्रारंभिक स्थान था, प्रारंभिक स्थान स्थान बराबर अंतिम स्थान, अंतिम स्थान जब प्रारंभिक अंतिम दोनों बराबर एक ही जगह पे है तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगी, 0 किलोमीटर होगी। यानी कार्यालय घर ही आसपास एकदम अगल बगल होगा, लेकिन उसको घूमना पसंद था, विजय को घूम रहा है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखने से पहले दूरी वाला मैक्सिमम मिनिमम आपको बता देते हैं, जो भी मैंने चर्चा किया था कैसे मिनिमम निकलता है कैसे मैक्सिमम निकलता है। तो क्या देखेंगे हम, डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको हिंदी में कहते हैं दूरी, ठीक। डिस्टेंस में मैंने अभी बताया था आपको, दो चीजें देखते हैं, सबसे पहले हम अधिकतम दूरी देखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर इसके बाद मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे जो कि न्यूनतम दूरी होती है हमारी। तो देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, यहां पे अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी या इसको कहीं कहीं कहते हैं कुल दूरी, कुल दूरी, या फिर इसको कहते हैं ज्यादा से ज्यादा दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी, अधिकतम दूरी, कुल दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी, या फिर इंग्लिश में कहेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस। ये आप समझेंगे कौन कौन सा लैंग्वेज होता है इसका, क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ लेगा, हो सकता है आपको अधिकतम दूरी जैसे मैंने बताया डिस्टेंस में आप दो चीजें का अधिकतम या न्यूनतम, और आपसे कह दिया जाए कुल दूरी बताइए तो आप कंफ्यूज होंगे, तो कुल दूरी मैंने पढ़ाया ही नहीं था,
मैंने पढ़ा ही नहीं था कुल दूरी आप सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकतम दूरी इसको क्वेश्चन में कहते हैं, कहीं के इसको कुल दूरी कह के पूछे, कहीं ज्यादा से ज्यादा दूरी कह देगा, कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस। इंग्लिश तो आप समझ ही रहे हैं, सर्वशक्तिमान इंग्लिश। फिर दूसरा जो इसमें हम देखते हैं वो हमारा होता है न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी या इसको कहते हैं बीच की दूरी, बीच की दूरी, या इसको कहते हैं कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, या इसको कहते हैं अतिव्यापन, अतिव्यापन दूरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग डिस्टेंस। फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मिनिमम डिस्टेंस। तो घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज इसमें से दे सकता है, बस आप माइंड में अपने रखिए क्या क्या कर सकता है, या तो अधिकतम दूरी या कुल दूरी या ज्यादा से ज्यादा दूरी या मैक्सिमम डिस्टेंस। और यहां देखेंगे जल्दी से तो न्यूनतम दूरी, बीच की दूरी, कम से कम दूरी, अतिव्यापन दूरी या ओवरलैपिंग डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस। इसमें से कोई लैंग्वेज रख सकता है हमारा। अब फटाफट इसका एग्जांपल देखते हैं। एक चीज और इसको इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। बहुत फेमस थ्योरम है मैथ का है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि अगर कोई भी बच्चा को मैथ का बेसिक भी पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से वो भली भांति परिचित होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगता किसमें है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये फिगर आप सबने देखा होगा, जाना पहचाना लग रहा है, एबीसी। ये हमारा होता है 90 डिग्री। इसको कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ये हमारा होता है आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस। ये हमारा होता है लंब, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक, ये होता है हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। ये हमारा हो गया बेस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, आधार कहते हैं। ये हमारा हुआ लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। इसका अगर आपको दो साइड बताओ, कोई भी दो साइड, तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर परपेंडिकुलर दे दिया जाए और बेस दे दिया जाए, मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा हो गया एक्स और बेस हो गया वाई, और करंट हमारा हाइपोटेनस है जेड, तो जेड फाइंड कैसे करेंगे आप। इसका एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहां एक्स वाई जेड लिख दिया गया है, यहां क्या होगा, हाइपोटेनस हमारा है जेड, z का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों प्लस होंगे, चाहे आप परपेंडिकुलर पहले लिखे चाहे बेस लिखे, लेकिन हाइपोटेनस यहां होना चाहिए दूसरे साइड में। इसको x कर दीजिए, तब आप ज्यादा समय में कंफ्यूज जाएंगे भी आप। ठीक, एक्स वाई जेड, तो ये हमारा क्या था, इसको निकालने का फॉर्मूला। अभी जब हम मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे तो वहां इसका एक बहुत अच्छा रोल होगा, इसके मदद से हम तुरंत मिनिमम डिस्टेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस सब निकाल लेते हैं, क्योंकि बिना फिगर को निकल जाता है, सभी डिस्टेंस को ऐड करें जो हमारा डाटा गिवेन होगा। लेकिन जब मिनिमम डिस्टेंस पूछता है मैटर, तो तब फंसता है और उस मैटर को
बगल हटाने के लिए क्या करते हैं आप? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि लगता कहां ये। अब जो क्वेश्चन लिखेंगे दीपक उत्तर दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर 40 मीटर बाएं चलता है, और फिर 20 मीटर बाएं चलता है और चलता है तत्पश्चात 20 मीटर दाएं चलता है तो प्रारंभिक स्थान से उसकी अंतिम दूरी कितनी होगी? अब ये क्वेश्चन एक है, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर 40 मीटर बाएं चलता है, फिर 20 मीटर दाएं चलता है, तत्पश्चात 20 मीटर फिर दाएं में चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम दूरी के बीच का डिस्टेंस पूछा है। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दूरी यहां होना चाहिए, अंतिम स्थान की दूरी क्या होगी? ठीक, हाँ समझ लीजिए आप लोग, फटाफट इसका फिगर बनाते हैं, देखते हैं होगा कैसे। सबसे पहले 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, सॉरी 20 मीटर, ठीक 20 मीटर उत्तर दिशा में चले, 20 मीटर पहुंचे कहां? उत्तर में, फिर 40 मीटर बाएं में चलते हैं, बाएं हमारा ये दाएं है, ये बाएं कितना चले? 40 मीटर चले, फिर बाएं घूमे, फिर बाएं 20 मीटर चले, फिर बाएं 20 मीटर चले, इसी के बराबर होंगे, 20 मीटर चल लिए, तत्पश्चात 20 मीटर दाएं चलते हैं। अब यहां से दाएं कौन सा होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, दाएं हमारा ये होगा, बाएं हमारा ये होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है, जब इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो हमारा राइट साइड होता है, ठीक। तो 20 मीटर फिर चलता है किस दिशा में? दाएं 20 मीटर। अब ये क्या था? प्रारंभिक स्थान था, ये हमारा अंतिम स्थान। अब देखिए दूरी कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हमारा 40 मीटर है, ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना हो गया हमारा 40 मीटर यहां तक। अब ये तो आपको पता ही, फिर 20 है, ये भी 20 है, ये 40, ये 20,
कितना हो गया हमारा 60 मीटर जो आया, ये 60 मीटर क्या था? प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान की दूरी थी जो हमसे पूछा गया था। प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी पूछा गया था 60 मीटर है। 40 यहाँ, अगर ये 40 जैसे यहाँ ये भी 20 हुआ, ये भी 20 हुआ, उसी तरह ये 40 है, ये 40 होगा, ये 40 है, ये 20 है, दोनों ऐड के मार क्या आ गया 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक बार अभी पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करेंगे फिर क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट लेके, मतलब कॉन्सेप्ट कह रहे हैं क्वेश्चन लेके आएंगे, एक एक सब्जेक्ट चैप्टर का अलग अलग एक एक क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 25 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, पूरब दिशा में, बाकी आप समझ लीजिए इधर बोल दे रहे हैं हम क्वेश्चन, अगर आपको नोट करना हो तो बोल तो रहे हैं हम। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, फिर 25 किलोमीटर पूरब की दिशा में चलता है, और पुनः 23 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, दिशा में चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? अब यहां देखिए, पहले फिगर बनाएं तब आपको बताएंगे क्या है क्वेश्चन। तब तक आप अगर समझ पाइए तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि यहाँ पूछा क्या है हमसे। दिखने में बहुत आसानी लग रहा है बीच की दूरी, लेकिन अभी बाद में समझता है कि कौन सा डिस्टेंस है, मिनिमम पूछ रहा है मैक्सिमम पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले फिगर ड्रा करते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलता है, ऊपर गया उत्तर 15 किलोमीटर हो गया, फिर 25 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, 25 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, और पुनः 23 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 23 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, 23 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी क्या होगी? अब यहां देखिए, जो बीच की दूरी हमसे कहा गया है, अगर थोड़ा सा आप पीछे ध्यान दें तो मैंने जब यहाँ डायरेक्शन सॉरी डिस्टेंस बता रहे थे तो एक तरफ मैक्सिमम डिस्टेंस एक तरफ मिनिमम डिस्टेंस लिखे थे। मैक्सिमम मैंने क्या लिखा था? अधिकतम दूरी, कुल दूरी, ज्यादा से ज्यादा दूरी या मैक्सिमम डिस्टेंस। फिर जब मैंने मिनिमम की तरफ लिखा था तो ऊपर लिखा था न्यूनतम दूरी, फिर उसके बाद लिखे थे या इसको बीच की दूरी कह सकते हैं, या इसको कम से कम दूरी कह सकते हैं, या फिर अतिव्यापन दूरी कहते हैं, या फिर मिनिमम डिस्टेंस कहते हैं। तो बीच की दूरी जो मैंने बताया था वो किस तरफ बताया था? मिनिमम डिस्टेंस की तरफ। मिनिमम डिस्टेंस की तरफ मैंने बताया था, मिनिमम डिस्टेंस को अधिक न्यूनतम दूरी को बीच की दूरी भी कह सकते हैं। यहां से पूछा क्या? मिनिमम डिस्टेंस पूछा। अब देखिए, इससे यहां तक की दूरी पूछा है हमसे, अब ये कैसे निकालेंगे आप बताइए? अगर यही यहां पहुंचा होता तो आप सीधे निकाल लेते, या फिर ये जो यहां तक पहुंचा अगर यहां होता तो ये 15 था, इसके बराबर यहां 15 हो जाता, लेकिन निकालेंगे कैसे? अब मैंने जो अभी पाइथागोरस थ्योरम बताया था वो यहां फॉलो होगा, उसको यहां आप लगाएंगे। जैसे
इस लाइन को आप सीधा ड्रॉ कर दीजिए, इमेजिन करिए ये लाइन कहां तक है, यहां तक। अब ये 25 है, यहां से यहां तक 10 है, तो ये हमारा कितना होगा बताइए, ये 15 होगा, 15 किलोमीटर, 15 ये 10 ये 15 10 25, तभी तो पूरा होगा ना 25। यहां से लेके यहां तक 25 है, मतलब यहां से यहां तक 25 है, इसके बराबर होगा, आयत है ना, आयत का आमने सामने भुजा बराबर होती है, ये 25 होगा, इतना हमको जब 10 दिया गया, जो बचा हमारा 15 हुआ। अब ये देखिए, ये हमारा पूरा क्या है, इतना 23 है यहां से यहां तक, लेकिन इसके बराबर यहां से यहां तक 15 होगा हमारा, अगर ये हमारा 15 हो गया यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, 8 किलोमीटर। अब मतलब हमसे किससे है, देखिए इसको ड्रॉ कर देते हैं इसे, अब मतलब जो हमसे है इससे है, केवल हमको परपेंडिकुलर पता चल गया 15 किलोमीटर है और बेस पता चल गया 8 किलोमीटर है, निकालें क्या, हाइपोटेनस। अब इसको निकालिए, निकालेंगे कैसे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनस पता नहीं हमको, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। अब यहां देखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता 64 और 15 का देखते हैं कितना होगा, 15 ये 5 7 10 2 12 225, 15 का जो स्क्वायर होगा ये होगा 225। अब 225 और 64 ऐड करेंगे कितना होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 2 289 आया। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 289 अंडर रूट, जब इसको सॉल्व करेंगे किसका स्क्वायर रूट है h, ये होगा 17 का, 17 ये जो हमारी दूरी आएगी कितना आएगी 17 किलोमीटर, ये निकल के आया। तो इसमें देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सेम इसी तरह, कहीं भी आपको जब क्वेश्चन दिया गया होगा आप रिलेट कर लेंगे, कोई लाइन आगे बढ़ा लेंगे कोई पीछे, इमेजिन कर करके क्या करेंगे अपना डिस्टेंस निकालेंगे। ये हमारा आंसर था, हाइपोटेनस मैंने लगाया एक मतलब बेस परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेनस मैंने फाइंड किया 289 अंडर रूट 289 आया, 17 का स्क्वायर रूट है, ये आंसर हमारा क्या हो गया 17। अब इसी में अगर थोड़ा सा और देख ले आप लोग, ये हमसे क्या पूछा था, न्यूनतम दूरी पूछा था, मिनिमम डिस्टेंस पूछा था हमसे, ठीक। अगर कुल दूरी पूछ ले, अधिकतम दूरी मान लीजिए पूछ ले, अधिकतम दूरी पूछे तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपको दिया गया हो, जो जो डिस्टेंस है, यहां 10 दिया गया है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर फिर 25 किलोमीटर 23 किलोमीटर, सबको आप ऐड कर देंगे, इसका मतलब ये फिगर बनाने कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 23, ये जो हमारा आएगा क्या आएगा, अधिकतम दूरी आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा मैक्स, और जो मिनिमम पूछे तो आपको ये सब करना है। अब ये सब तुम्हारे एग्जांपल, अब आपको हम एक कल हम एक पीडीएफ देख रहे थे, इसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन हमको दिखे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उसको हम लेके आते हैं आपके सामने, बस एक मिनट रुकिए मैं लेके आ रहा हूं पीडीएफ।
बड़ा क्वेश्चन है, अभी किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्स में इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं आप देख के कंफ्यूज हो, डर जाते हैं ओ आएगा कि नहीं, होगा कि नहीं हमसे। लेकिन जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उतने सिंपल होते हैं, जितने छोटे होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, इस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहा इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब कथन लिखते हैं हम सीधा अपना, श्री राम अब किस दिशा में सम्मुख हैं, श्री राम अब किस दिशा में सम्मुख हैं। ये हमको क्या दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, श्री राम अब किस दिशा में सम्मुख हैं। इसके बाद कथन हमको दिए गए हैं दो, कथन दो दिए गए हैं इसमें। पहला कथन क्या दिया गया है, पूरब दिशा के सम्मुख हैं, सम्मुख हैं। वह पहले 90 अंश दक्षिणामर्त घूमता, वह पहले 90 अंश दक्षिणावर्त घूमते, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, 180 डिग्री वामावर्त घूमते हैं और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं। ये हमारा क्या था, पहला कथन था। अब दूसरा कथन क्या होगा हमारा, अपनी वर्तमान स्थित से श्री राम सीधे ढाई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन जो 4 दिए गए हैं, ए बी सी डी, ऑप्शन में क्या कहा गया है कि केवल कथन एक पर्याप्त है, केवल कथन दो पर्याप्त है, एक और दो दोनों पर्याप्त हैं, कोई नहीं। ये कोई नहीं। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, एक पर्याप्त मतलब केवल एक पर्याप्त, केवल हम नहीं लिखे हैं, समझ लीजिए आप लोग, केवल एक पर्याप्त, केवल दो पर्याप्त, एक और दोनों पर्याप्त,
और कोई नहीं पर्याप्त। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब जो ये कथन जो ये हमसे स्टेटमेंट दिया गया है श्री राम अब किस दिशा में सम्मुख है, इसको बताने के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा काफी है, कौन सा पर्याप्त है, जैसे इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन से दिशा में है, कौन दिशा बताने के लिए ये हमारा पर्याप्त है कि ये पर्याप्त है कि दोनों की जरूरत है हमको, ये देखना है हमको। अब पहले हम एक एक देख चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे, जैसे यहां कह रहा श्री राम पूरब दिशा के सम्मुख है, इसको बना लेते हैं ये ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार डायरेक्शन हमारा पूरब दिशा के सम्मुख है ठीक है। यहां है पहले बार 90 अंश दक्षिणावर्त घूमते हैं, 90 अंश दक्षिणावर्त मतलब ये ठीक, ये हमारा तो दक्षिणावर्त, ये होता है वामावर्त। 90 बार जब दक्षिणावर्त चले श्री राम जी कहां पहुंचे, साउथ में, फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, 180 डिग्री जब वामावर्त घूमेंगे, वामावर्त चले चाहे दक्षिणावर्त चले, जब 180 चलेंगे यहां पहुंचेंगे साउथ से नॉर्थ, तो वामावर्त चले जब 180 तो 90 में यहां पहुंचे, 90 में यहां पहुंचे, फिर 90 में यहां पहुंचे ठीक है। कहां पहुंचे हम लोग, नॉर्थ में, नॉर्थ में, और अंत में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, अंत में 45 डिग्री कहां घूमेंगे, यहां से 45 दक्षिणावर्त घूमेंगे, तो कहां पहुंचे, ये पहुंचे दक्षिणावर्त घूमते। अब किस दिशा में सम्मुख है ये पूछा हमसे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मार हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व पहला स्टेटमेंट तुम्हारा बताया उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व के सम्मुख है। अब दूसरा कह रहा है अपनी वर्तमान स्थिति से श्री राम सीधे 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर वह दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलते हैं, सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब कथन एक जो है ये हमारा क्या है, पर्याप्त है, पर्याप्त है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको समझाने बताने के लिए किस दिशा के सम्मुख है, बता दिया नॉर्थ ईस्ट, यानी केवल एक पर्याप्त, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक क्वेश्चन ये आया हो किस एग्जाम में क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और एग्जाम में जो आया हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो फट से देख लेते हैं तुरंत जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें निर्देश दिए गए, हम शॉर्ट में लिखेंगे निर्देश, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं सीधा। क्वेश्चन में निर्देश निर्देश क्या दिया गया है, कहा इसमें पहले पूरा हम पढ़ते हैं फिर लिखेंगे। सड़कें या तो एक दूसरे के लंबवत हैं या समांतर हैं, सड़कें या तो लंबवत हैं, लंबा सड़कें या तो एक दूसरे के लंबवत हैं या समांतर हैं, समांतर हैं, किन्हीं समांतर सड़कों के मध्य लंबवत या क्षैतिज कटान तक दूरी 1 किमी है, मतलब सीधा सीधा लिखते हैं दूरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी क्या होगी, 1 किलोमीटर है। अब फिगर बनाएंगे तब समझेंगे इसको, आप कहना क्या चाहता है, इस शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए केवल इन सड़कों का उपयोग किया जा सकता है, मतलब जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो केवल किसका उपयोग करना होगा, सड़कों का, यही क्वेश्चन है, सेम यही फिगर है। एक कटांश मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी क्या है, 1 किलोमीटर, चाहे कहीं भी ले लें आप, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर ठीक,
सड़कें या तो लंबवत है या समांतर है। हम देखें ये इसके समांतर है कि नहीं है, इसके ये लंबवत है ना, या तो लंबवत है आपस में या समांतर है। और कह रहा है इन शहर मतलब इस शहर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए केवल इन सड़कों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ जाना है, यहाँ तो आप कैसे जाएंगे, या तो इस सड़क से जाएंगे या तो ऐसे 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 जाएंगे। मतलब उपयोग आप केवल सड़कों बीच नहीं जा सकते। ठीक, अब हम क्वेश्चन अपना बनाते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक व्यक्ति या तो केवल उत्तर दिशा में यात्रा कर सकता है या तो केवल उत्तर दिशा में यात्रा कर सकता है। तो इरेज करते हैं, बाद में बनाएं बढ़िया से। यात्रा कर सकता है या केवल पूर्व दिशा में, या केवल पूर्व में। अगर वह बिंदु डी की ओर चलना प्रारंभ करे, अगर वह बिंदु डी की ओर बिंदु सी से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु सी से चलना प्रारंभ करता है तो उसके द्वारा चली गई क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी को ज्ञात करें, अब इसके बाद एक चीज और इसमें कहा है, न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए दिशाओं में चलने की बाध्यता नहीं है। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन कहा। अब इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इस साइड लिख लेते हैं, 5 किलोमीटर और 7 किलोमीटर। बी हमारा क्या है, 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर। सी क्या है, 7 किलोमीटर 9 किलोमीटर। डी क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें फिगर एक दिया गया है जिसके बेसिस पे हमको चलना बताया गया है, कैसे आप चल सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं इसमें। फिगर हमारा कुछ इस तरह से है,
ये हमारा फिगर है ठीक। यहां कहा गया ये एक पॉइंट कोई है, इसका नाम है डी। ये कोई पॉइंट है सी, सी से यहां चलते हैं, एक कोई पॉइंट है ए ठीक। ये है दक्षिण, ये है उत्तर ठीक है, ये हमारा है पश्चिम, इतना हमको बताया गया है बस। अब देखिए कहा गया है एक व्यक्ति, अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी क्या है एक किलोमीटर, ये भी एक, 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 कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक, कहीं भी आप ले लीजिए, बीच में भी ले लीजिए, यहां से यहां तक एक, एक किलोमीटर की दूरी है सब में। एक व्यक्ति या तो केवल उत्तर दिशा में चल सकता है, यहां कंडीशन क्या दिया गया है, या तो उत्तर दिशा में चल सकता है, ये हो गया नॉर्थ, या केवल पूर्व दिशा में, या पूर्व दिशा में ईस्ट ठीक। चलना केवल इसी दो डायरेक्शन में हमको है, इसके अलावा आप नहीं चल सकते, ये कंडीशन दिया गया है यहां। अगर वह बिंदु डी की ओर बिंदु सी से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु सी हमारा ये है, बिंदु डी ये है, बिंदु डी की ओर सी से चलना, सी से यहां लगा है, सी हमारा क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, स्थिर होगा, सी से चलना प्रारंभ किया डी की तरफ, तो उसके द्वारा चली गई क्रमशः न्यूनतम एवं अधिकतम दूरी ज्ञात करना है। मैंने बताया जब अधिकतम दूरी पूछे तो आप फिगर को जरूरत नहीं है, सीधा ऐड कर दीजिए। अब ऐड कैसे करेंगे यहां अधिकतम दूरी, देखिए अधिकतम दूरी अगर यहां से यहां गए एक किलोमीटर, यहां से यहां गए दो किलोमीटर, यहां से यहां गए तीन किलोमीटर, फिर यहां से यहां गए चार किलोमीटर, यहां से यहां गए पांच किलोमीटर, यहां से यहां गए छह किलोमीटर, यहां से यहां गए सात किलोमीटर, इसको पूरा टोटल लिखते हैं यहां, ये तीन है और ये क्या है चार है, ये चार किलोमीटर है, ये चार ये तीन, तो अधिकतम दूरी तुम्हारी क्या हो गई, मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, चार तीन सात, सात, ये तो हमको एक चीज पता चल गया। और देखिए जब क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम लिखा हो, यहां क्रमशः लिखा हो तो जो पहले यहां लिखा होगा वो ऑप्शन में भी पहले होगा, जैसे क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम है, यहां क्रमशः पहले न्यूनतम होगा तब अधिकतम होगा, यहां न्यूनतम अधिकतम जो भी ऑप्शन होगा, इधर वाला न्यूनतम इधर वाला अधिकतम होगा। अधिकतम को पता चल गया सात है, यहां सात है अधिकतम में, लेकिन अभी और आगे देखते हैं। अभी एक चीज कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अधिकतम क्यों इधर से चले, बीच से भी चल सकते हैं, जब हमको उत्तर और पश्चिम उत्तर और पूर्व में चल सकते हैं। देखिए यहां से यहां गए उत्तर, ये पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व, ये उत्तर, ऐसे भी चले, लेकिन देखिए ऐसे भी कितना होगा, ये हमारा होगा एक किलोमीटर, ये यहां से यहां गए दो, यहां से यहां गए तीन, यहां से यहां गए चार, यहां से यहां पांच, यहां से यहां छह, यहां से यहां सात, यहां से मतलब कहीं से भी आप चल लीजिए, अधिकतम दूरी जो हमारी होगी सात ही होगी। जैसे अब कुछ लोग यहां से चले यहां पहुंच गए तो भी देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात, अधिकतम हमारी सात हो गई, इससे कम ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा नहीं हो सकता। अब मिनिमम देखेंगे न्यूनतम दूरी, लेकिन कंडीशन एक लास्ट में ये दिया गया, न्यूनतम दूरी प्राप्त करने के लिए कोई दिशाओं में चलने की बाध्यता नहीं है। जब न्यूनतम दूरी हम फाइंड करेंगे, दिशाओं में चलने की कोई बाध्यता नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे, सीधा डी पे पहुंचेंगे, तिरछी हो गई लाइन, थोड़ा सीधा समझिए इसको, सीधा सीधा डी पहुंचे। अब देखिए ये इसका शेप क्या बन गया, ये हमारा हो गया तीन किलोमीटर, ये हो गया चार किलोमीटर, और ये हमसे पूछा गया है, ये हमारा सी है, ये डी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, यहाँ परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर इक्वल तीन तरीका नौ, चार चौक सोलह, सोलह नौ पच्चीस, किसका होगा पांच का स्क्वायर हो गया, ये पांच का स्क्वायर क्या ये आया पांच किलोमीटर, ये जो हमारा आया क्या था, ये न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी,
अब ये जो हमारा आया ये 5 किलोमीटर आया, मैक्सिमम 7 था, मिनिमम 5 था। अब पहले न्यूनतम मतलब अधिकतम यहां लिखा है क्रमशः, पहले न्यूनतम देखेंगे, न्यूनतम हमारा है 5 किलोमीटर, अधिकतम हमारा है 7 किलोमीटर। अब ये हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 5 और 7 है, 5 और 7 पहला हमारा क्या हो गया सही, ये हमारा राइट आंसर है। ये जो दो क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे, इस टाइप के क्वेश्चन अब उम्मीद करते हैं आपको आएगा, छूटेगा नहीं, कहीं भी पॉइंट दिखा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आप पाइथागोरस थ्योरम अगर लग रहा है न्यूनतम पूछा है, कोई अगर बाध्यता नहीं है पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, अगर कह दिया न्यूनतम में भी नहीं तो फिर आप चलिए फिर अपने जिस जिस डायरेक्शन में नॉर्थ और ईस्ट में चलने का कंडीशन दिया गया उस हिसाब से चलिए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। परिणाम एकेडमी के नाम से हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है, ग्रुप है परिणाम एकेडमी, इस ग्रुप टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे पोल चलाए जाते हैं, हम कुछ पीडीएफ अपनी क्लास से डालेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे जिसको आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और परिणाम एकेडमी नाम से ही इंस्टा पे भी हमारा एक पेज है, इसको इससे आप लोग जुड़िए, हमारी सारी गतिविधियां जो होती हैं यहाँ आपको पता चलेंगी, कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। बस आज की क्लास को अब यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।